आपकी मेजबान सजल मलिक और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। नासिर, आज हम मौजूद हैं एसएजी एमएमए की एकेडमी में, जहां पे एसएजी के इनेकाद से पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिक्स्ड मार्शल आर्ट की सुपर लीग का इनिशिएटिव लिया गया है, सुपर लीग स्टार्ट की जा रही है और आज फाइट्स भी हो रही हैं। ओवरऑल द पाकिस्तान प्लेयर्स यहां पर आए हैं, फाइट्स चल रही हैं और ऑडियंस का जोश और जज्बा भी देखने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं कि वो कितना अप्रिशिएट करते हैं एसएचजी एमएमए की एकेडमी को और क्या कहना चाहेंगे, तो चले मेरे साथ। गुजरात से आए हैं, एफएफसी क्लब से इनका ताल्लुक है, ज़ुल्फ़िकार हैदर मेरे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि आप इतना आपने टफ टाइम दिया अपने ओपोनेंट खिलाड़ी को और आपने ये फाइट बड़ी बहादुरी के साथ विन की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये फाइट जीतने का मौका दिया और ये सब मेहनत की है, मेहनत का नतीजा है और मैं अपने कोचेज का थैंक यू कहूँगा। थैंक यू अली भाई सो मच, एंड बिलाल एंड अरकम, असद भाई, कामी भाई एंड उस्ताद इस्लामुल्लाह साहब, शुक्रिया और मुझे गाइड करने के लिए। और मैं बड़ा मशहूर हूँ ऐसे गार्डन का कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ करवाया ताकि जो नया एक टैलेंट है वो उबर के सामने आए, इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर जो इंटरनेशनली खेलता है, आप चाहते हो कि वो पाकिस्तान में आके आपके साथ फ़ाइट उसकी हो और आप जीतें? जी ऑफकोर्स, हबीब 29-0 के रिकॉर्ड के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ आए और बेशक आके, यानी कि मैं एज ए फ्रेंडली एज ए उनका फ़ैन कहना चाहता हूं कि वो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, जस्ट ये मेरा एक कह लेंगे ख्वाहिश है। तो आप क्या समझते हैं इस सुपर लीग स्टार्ट होने के बाद वो दिन कितना दूर है कि जब इंटरनेशनली प्लेयर्स यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट हुआ है ऐसे गार्डन की तरफ से, यकीन माने ये एक बहुत ही बड़ा ही कदम है कि जिससे इंटरनेशनल फाइटर जो है वो मुतवज्जो होंगे और यकीनन ये अपनी जो मंजिल है मेरी, इंशाल्लाह जो टाइटल की मंजिल है वो मुझे इसकी वजह से बड़ी करीब नज़र आने लग पड़ी है और मेहनत करने का और क्या ले मोटो मिला है मुझे, इंशाल्लाह मजीद मेहनत करके आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर फाइट। ऐसे ग्रुप से काफ़ी पुराना ताल्लुक है इनका, सलमान से मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप एसएजी एमएमए की एकेडमी की जानिब से जो सुपर लीग स्टार्ट होने जा रही है उस इवेंट आप अटेंड कर रहे हैं, इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने इधर जो ये इवेंट आप देख रहे हैं, इट्स सच अ वंडरफुल क्रिएशन। हम थर्ड फ्लोर के ऊपर हैं, पूरा एरिना बना हुआ है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब कूडोस टू देम, वेरी वेल ट्रेन्ड और वेरी इम्प्रेसिव इन बच्चों की फिटनेस और जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, इट्स वंडरफुल। दूसरा, आप पार्टिसिपेंट्स का अगर आप देखें तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले चैंपियन अहमद अमीन बोदला मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि आपने 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं तो कितना मुश्किल होता है ये करना? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तो डिफ़िकल्ट होता है, हर स्पोर्ट कोई भी जो प्रोफेशनली आप करते हैं तो मेहनत तो वो मांगती है, लेकिन अगर आप लगे रहे तो हो जाता है जी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि एसएचजी एमएमए पाकिस्तान में पहली एमएमए की सुपर लीग स्टार्ट करने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमएमए एक ऐसी स्पोर्ट है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से एमएमए ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब तक हमने कोई इसका रेगुलराइज इसका नहीं कर सके, इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सके, तो ये जो एक स्टेप है कि लीग को करवाना, इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी फाइटर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, वो एक चैनल पे आ जाएंगे और लोगों के सामने एक रैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा, तो बहुत एक अच्छा स्टेप है गेम की प्रमोशन के लिए और मैं ये समझता हूँ कि इससे टैलेंट भी सामने आएगा और एक ऐसे गार्डन्स की तरफ से ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया, तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ एज एन एथलीट। और एमएमए वाले जितने भी फाइटर हैं, देखिए जब आप उस रिंग के अंदर उतरते हैं ना, तो ये इसके लिए ख़ास किस्म की हिम्मत आपको चाहिए। हम लोग तो ये देखते हैं कि बंदा नॉकआउट हो गया, ये हुआ, आप अपनी इज्जत, आप अपनी हेल्थ, हर चीज़ को ऑन द लाइन करते हैं जब आप उस रिंग में उतरते हैं। आप अपना फेवरेट एथलीट बताएं जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी अकेडमी में आके वो पार्टिसिपेट करें। एमएमए के अंदर तो बहुत नाम है, इंटरनेशनली तो बहुत नाम है, अगर हम फाइटर्स की बात करें दुनिया में बहुत टॉप ऑफ द लाइन लोग भी मौजूद हैं। मैं ज़्यादातर एमएमए से ज़्यादा मेरा जो फॉलो करता हूँ, मैं इंटरनेशनली बॉक्सिंग करता हूँ। अगर एमएमए की बात करें तो एमएमए में जेएसपी है, एंडरसन सिल्वा है, इस तरह का कोई बड़ा नाम, जैसे कुछ अर्सा पहले फुटबॉल के स्टार्स पाकिस्तान में आए थे तो पब्लिक इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया था, तो हमारे ये आपकी बात ठीक है कि जब कोई इंटरनेशनल स्टार इंशाल्लाह यहाँ पर कदम रखेगा
तो यकदम से जो लेवल है वो पाकिस्तान में ऊपर आ जाएगा, एमएमए को मजीद फरोग मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के इस इवेंट में बहुत से चैंपियंस ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत से चैंपियंस ने शिरकत की है इस इवेंट में। तो इसी तरह से किक बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन इशफाक जट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है? मैं शुक्र गुजार हूँ ऐसे गार्डन वालों का कि उन्होंने ऐसे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। इससे पहले भी बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन ये अभी इनकी बेसिक है। अभी पूरे पाकिस्तान में जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और मैं नहीं मानता कोई गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही जो ऐसे गार्डन ने काम करके दिखाया। ओपन चैलेंजर मिर्जा सुल्तान बेग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा और इतना टफ टाइम दिया अपने ओपोनेंट खिलाड़ी को। थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये आपका बड़ा बन है, आप लोगों के प्यार है, इन सब की सपोर्ट है मुझे, ठीक है। और क्या बोलूँ इसके अलावा, इसमें समझ नहीं आ रही। हाँ वो तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऐसे विदाउट एनी तैयारी आप इन्होंने उसको चैलेंज दे दिया कि भाई आओ मेरे साथ फाइट करो। तो ये आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि आप फाइट कर सकते हैं? नहीं, माइंड में मतलब कुछ नहीं आया। वैसे बस यूप भाई है अपना, एक एम्प्लॉय हम, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी फाइट किसके साथ, उसने बताया कि यार मेरे वेट का कोई बंदा नहीं। मैंने बस एज अ फन उसे बोला चल मेरे साथ फाइट कर। एज अ फन, फन में क्या हुआ? एज अ फन, फन में उसने अच्छे अच्छे हाथ से मुझे जो है ना इधर एक किक पड़ी है, मुंह पे उसने पंच मारे हैं काफी। पर्सनल ग्रज तो नहीं था उसके साथ? माफ करें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बस ज्यादा ब्रदर हमने फाइट किया। और मुझे जो हौसला दिया है ये सब भाइयों ने, बाकी इस भाई और इस भाई का बहुत शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने स्पेशली मुझे मदद किया। जब आपका दोस्त केज में चला गया फाइट के लिए, तब आपके क्या जज्बात थे, थोड़ा सा बताएंगे? यही थे कि हमारा दोस्त ही जीते, बाकी गेम का हिस्सा है, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वो हार गया तो कोई मसला नहीं। नहीं, दोस्त होते हैं ना उनको पता होता है हमारा दोस्त हारने वाला है, लेकिन फिर भी वो ऊपर ऊपर से मोटिवेट करते हैं। दोस्त हारने वाला नहीं था, मगर अब वो क्या कहते हैं गेम का एक हिस्सा है, दो शेर जब लड़ते हैं एक को हारना ही पड़ता है। ये सही दोस्त नहीं है, किसी और से बात करते हैं। सामने आओ जरा, मुझे ये बताएं कि जब इसने ओपन चैलेंज कर दिया बेस्ट फाइटर को कि आओ भाई मेरे साथ फाइट करो, मेरा वेट तुम्हारे मुताबिक है, तो जब ये केज में चला गया, रिंग में उतर गया फाइट के लिए, तो आप उस टाइम पे जो आपकी फीलिंग्स है वो थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि यार इस बंदे का जिगरा देखना चाहिए कि जब ये रिंग में दाखिल हुआ है ना, तो एक रे सुल्तान मूवी वो एक जज्बा पैदा हुआ, और इतना शोर इसके लिए मैंने नहीं देखा कि जितने फाइटर आए हैं प्रोफेशनल जिन्होंने नेशनल भी खेला है इंटरनेशनल भी खेला होगा, उनके लिए इतना शोर नहीं था जितना चीखो पुकार इसके लिए था कि रे सुल्तान कर दे चटाई। नो डाउट सुल्तान ने सारी ऑडियंस कैच की हुई थी, और इतना किसी बेस्ट प्लेयर बेस्ट चैंपियन को भी इतना अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी इनको मिली। ऑडियंस में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला बंदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या होता है फाइट के तौर पर, आप में भी उतना ही जोश जज्बा आ जाता है? बेसिकली बात यह है कि एक बंदा जो अनप्रोफेशनल है वो जब प्रोफेशनल बंदे को चैलेंज दे रहा है 10 मिनट के, उसमें कुछ है, उसमें कुछ गेट करने की ताकत है, दस वो चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारा साथ उसी बंदे के साथ है जो चाहता है कि हम लड़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसने अपने से बढ़ के बंदे को चैलेंज दिया है, दस वो हम उसके साथ हैं, हम शोर भी उसके लिए करेंगे क्योंकि उसने एक प्रोफेशनल बंदे को चैलेंज किया। बस ये चाहते थे मेरे दोस्त को किसी तरह से मार पड़े, इन सब ने मिलकर वो की है। इनके रिव्यूज जानने के बाद सुल्तान आप क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहूंगा कि मैंने इन सबको एक चीज बोली कि कैमरे के सामने जब बात अगर हुई ना, तो मैं जीतने के बाद एक बात बोलना चाहता हूँ, सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सके है, बस ये कहना चाहता हूं। दिस इज द थिंग कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकते हैं। मतलब कि मेरा बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे इन्होंने, मेरे साथ जितने मुझे एक्टिविटी है और वो दूसरे भाई, उन दोनों भाइयों ने मुझे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया, ये एक्टिविटी, ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, इस तरह करो, ये करो, इनका बहुत शुक्र गुजार हूँ। और बाकी सब लव यू ऑल यार, लव यू सो मच। ये होना चाहिए, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, बॉन्डिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये अयूब हमारा एमएमए टीम का बंदा था, प्लेयर है, और ये हमारा एक दोस्त है, ऐसे गार्डन में हमारे साथ रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, हमने इसलिए उसको हौसला बढ़ाया। इसका जिगरा देखना चाहिए कि ये एक फाइटर के साथ, और इसने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, वो जाके रिंग में जाके उसको चैलेंज कर, ये भी इसका एक जिगरा देखना चाहिए इसको। लेकिन सुल्तान ने बहुत अच्छी गेम खेली है,
आगे से ये प्रैक्टिस करेंगे तो और आगे जाएंगे। एक बार सारे मिलके बोल दें कि ये घर पे ट्राई नहीं करना। एक आवाज में नारा कोई लगाना चाहे। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। आइए मोहम्मद अली इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली पहले तो मुझे ये बताएं कि फाइटर्स का तो जज्बा समझ में आ रहा है लेकिन ऑडियंस भी उतना ही ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों है? देखिए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट पॉइंट स्टार्ट हुआ है क्योंकि हम देखते थे टीवी पे WWE देखते आए हैं और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो टैलेंट सामने आएगा और दूसरा जो एंटरटेनमेंट के हवाले से लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम सर्व करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें और वैसे भी मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है और फिर उसके साथ साथ एक नई चीज़ है, पहले हम लोग टीवी में देखते थे तो अब हमारे सामने लाइव हम फाइट देख सकते हैं और दूसरा जो यंगस्टर हैं उनको तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा कह सकते हैं। ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट मिक्स मार्शल आर्ट्स में हम ये लीग बना रहे हैं, चारों सूबों में हम लोग इसके ये इस तरह के ट्रायल रन्स करेंगे, वहाँ से लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर पाकिस्तान की रैंकिंग सिस्टम वहाँ से शुरू करेंगे। इसका दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। जी तो आज हम मौजूद थे SHMMA की अकेडमी में जहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान के बेस्ट चैंपियंस आए हुए हैं, उनसे भी हमने बात की और देखा कि उनमें कितना जज्बा है, कितना जोश था इस सुपर लीग को लेकर। बहुत एक्साइटेड हैं कि ये सुपर लीग बहुत कामयाब रहेगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान का टैलेंट सामने आएगा। इस इवेंट में CEO ऑफ SA ग्रुप शुएब अफजल मलिक और चेयरमैन ऑफ SA ग्रुप सोहेल अफजल मलिक ने भी शिरकत की और अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मिक्स मार्शल आर्ट का सुपर लीग स्टार्ट करने का ख्वाब आज पूरा होता वो देख रहे हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड भी हैं और उनका यही कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब इंटरनेशनली प्लेयर्स यहाँ पर आके फाइट्स किया करेंगे। तो होप सो आज का इवेंट आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ और देखना मत भूलिएगा स्पोर्ट्स अपडेट्स विद सज्जन मलिक।